तो बेसिकली आज की हम क्लास में हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल। तो स्टार्टिंग है हमारा क्लास का, और होम मेनू बार में हम आ चुके हैं। होम मेनू बार के अंदर में आपके साथ हम बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट के बारे में, किस तरह से हम कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। जैसे कि हम किसी भी डेटा को कॉपी लेते हैं, कॉपी कर सेलेक्ट करके कंट्रोल और कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करते हैं, जैसा डेटा आपको दिखता है उसे उसी तरह पेस्ट हो जाता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें परमिशन देता है कि जो एरिया हमने कॉपी किया है उस एरिया का कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही हम पेस्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिया तो इसने सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट किया, डेटा पेस्ट नहीं किया, लेकिन फॉर्मेटिंग वगैरह। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने यहां पे लिया हुआ है नेम दिख रहा है आपको, तो जो नेम है हमारा वो क्या है, टेक्स्ट है, फिर भी इसको पेस्ट किया। देखिए, नेम को पेस्ट करने के पीछे रीजन यह है कि तो ग्लिच में फॉर्मूला मेनू बार को कॉपी करता है, तो जो फॉर्मूला मेनू बार में विजुअल होगा, चाहे वो फॉर्मूला विजुअल है चाहे वो नंबर विजुअल है, कॉपी होगा और पेस्ट होगा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत हेलो होइएगा, सर बोलिए सर बोलिए गगन जी, सुन पा रहे हो हेलो आप? सर, हाँ मेरा मेरा नेटवर्क स्लो नेटवर्क है स्लो तो है, तो ग्लिच हो ग्लिच रहा हो है, रहा तो है, मेरे तो को मेरे कुछ को नहीं कुछ नहीं समझ आया समझ आया इसमें, इसमें, ना ना कुछ कुछ शो शो हुआ। हुआ। सर आपके तरफ का नेटवर्क स्लो है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार नेटवर्क में आ जाइए, दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिए। मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो मैं उसको सॉल्व कर सकता था। सर मैं गोपाल फिर कृष्ण, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर स्टॉप देता कर हूँ, आप देता मेरे को हूँ। रिकॉर्डिंग को भेज देना जी, आप। गोपाल कृष्ण जी, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? जी सर, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे सेशन को? ओह कर दिया सर, स्टार्ट कर दिया। तो कॉपी, ये जो हमने रैन यहाँ पे देखिए, रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ मतलब कि रैंडम फॉर्मूला लगा हुआ है, जो कि बार बार जो है जब भी क्लिक करेंगे ये अपने आप को चेंज करता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है, सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करता है। उसी में हम बात करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू की। तो फॉर्मूला फॉर्मेटिंग हर चीज को रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद वो क्या करता है, यहां पे पेस्ट करता है। देख, रिमूव करके पेस्ट किया। तो इसका यूज जो है हम ज्यादातर करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह में यूज करने के लिए। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूला रिमूव करने, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको रिमूव कर दिया, या फिर आपने कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया, पेस्ट एज ए फॉर्मूला किया हुआ है, या पूरा का पूरा पेस्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मूला रिमूव हो जाए, तो कॉपी कीजिए इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू एंड ओके, ये आपका रिमूव हो गया। क्या होता है कई बार जब हमारे पास रिपोर्ट्स होती है, जैसे मैं डैशबोर्ड भी ओपन कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने डैशबोर्ड आपको दिख रहा हो, ये डैशबोर्ड कनेक्टेड है हमारे इस डेटा शीट से, मतलब कि ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे रिपोर्ट किसी को भेजना है, तो अभी तो ये सारा चीज मेरे पास वर्क कर रहा है, सारा चीज यहाँ पे लगा हुआ है, सब चीज वर्क कर रहा है, लेकिन किसी और को भेजना है, अगर मैं सिर्फ इसी सीट को भेजू तो वर्क नहीं करेगा। रीजन रीजन कि उसको डेटा चाहिए, डेटा शीट चाहिए, तभी वो डेटा दिखा पाएगा, अदरवाइज नहीं दिखा पाएगा। तो इसके लिए हमें पूरी पूरी शीट कॉपी, पहले पहले तो पूरी शीट कॉपी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ कीजिए मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और यहाँ न्यू बुक में आ जाइए एंड ओके कीजिए। तो एक नई फाइल में पूरी की पूरी शीट है, देख सकते हैं पूरी की पूरी शीट कॉपी होके यहाँ बुक वन में आ गई, एक नई फाइल में कॉपी हो गई। अब मुझे इसमें से सारे फॉर्मूले रिमूव करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा, यहाँ लगा है, फिर यहाँ नहीं लगा है, फिर इसके नीचे भी लगा है, देखिए यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो कई सारे जगहों पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मुझे इसकी फॉर्मूला को इसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। एक एक करके करेंगे तो काफी दिक्कत होगी। तो इस केस में हम पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं, पूरी शीट को कॉपी करते हैं,
और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हम कर देते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। तो पेस्ट से वैल्यू जब करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेटिंग है, जो चार्ट्स हैं, जो ग्राफ है, जो आइकन है, वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, लेकिन सबके फॉर्मूले गायब। अब इसको बड़ी आसानी से हम किसी को मेल कर सकते हैं, हमें डेटा भेजने की जरूरत नहीं। तो पेस्ट एज ए वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम इसका ऑफिस में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट एज ए वैल्यू का काम है कि आप कहीं भी फॉर्मूला रिमूव कर दें, रिमूव करके पेस्ट करें, या जहां पे डेटा है उसी की फॉर्मूला को रिमूव कर लें। उसके बाद आता है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। हम सिर्फ इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, ये फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब इसकी डेटा, इसकी फॉर्मूला ना पेस्ट हो, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट। देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ। कई बार क्या होता है कि एक डेटा हमारा फॉर्मेट होता है, दूसरा डेटा फॉर्मेट नहीं होता है, सेम डेटा वहां पे चाहिए होता है, सेम डेटा नहीं, सेम डेटा की फॉर्मेटिंग चाहिए होता है, तो हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट एज ए फॉर्मेट का इस्तेमाल हम करते हैं वहां पर। फिर बात करते हैं कमेंट। क्या होता है, कई बार हम अपने डेटा में एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए उस पर कमेंट डालते हैं। तो राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं कि दिस, यहाँ पे दिस इज फाइनल मार्क्स, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। हमें इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी को नहीं। तो पेस्ट स्पेशल में कमेंट एंड नोट्स है, उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला आता है कि हमें कॉलम विड्थ पेस्ट करना। कभी कई बार क्या होता है कि देखा ही रिपोर्ट में देखा था कि हम कॉलम के साइज को अपने हिसाब से ट्रिम स्विम कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब डेटा पेस्ट करूं तो मेरा कॉलम विड्थ ही पेस्ट हो, क्योंकि जब नॉर्मली कॉपी पेस्ट आप करते हैं तो आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है। तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और आप सेलेक्ट कर ले अपना कॉलम विड्थ। जब कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट करता है, डेटा नहीं। डेटा के लिए आपको फिर से नॉर्मली पेस्ट करना होगा, या राइट क्लिक करके आपको यहीं पे ये वाला आइकन लेना पड़ेगा, पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ। फिर आता है पेस्ट एनएफ, कर हमारे पास नंबर फॉर्मेट। कई बार डेटा में क्या होता है कि इस तरह के डेट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब हम डेट्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल, और वैल्यू करते हैं, तो डेट हमारा इस तरह के नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले जानिए कि ये नंबर है क्या, ये हमारा नंबर है क्या। तो बेसिकली जो नंबर है 44835, ये नंबर ऑफ डेज है। क्या है? नंबर ऑफ डेज। कहाँ से? जब से मेरा कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, जब तक डेट डाले तब तक का डेट। इसको साबित कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपने वन लिखा, वन मतलब एक दिन, और इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, तो 1/1/1900 हमारा जो कंप्यूटर कैलेंडर है 1/1/1900 तक ही। आप जाएंगे टाइम, डेट टाइम चेक करने जाएंगे तो देखेंगे कि इससे पहले की डेट, इससे पहले की आपकी जो कैलेंडर है वो नहीं दिखेगा। आपको जो कैलेंडर दिखेगा वो 1/1/1900 तक ही दिखेगा। इसमें मैं 32 दिन करता हूँ, देखिए मंथ चेंज हो गया, 367 दिन कर रहा हूँ तो ईयर चेंज हो गया, ऐसे 44835 दिया तो नंबर ऑफ डेज अपडेट 1 अक्टूबर 2022 दिख गया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों? देखिए क्या होता है कि किसी भी एक्स नंबर के साथ अगर आपने टैक्स ऐड कर दिया, तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
डेट में तो इजीली हम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 20 दिन जोड़ूं तो 20 दिन के बाद 21 अक्टूबर का डेट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ हुआ कि अगर इसको हम नंबर फॉर्मेट में करें तो पता चलेगा आपको कि जो जो सम हुआ है कोई डेट पे नहीं, 44835 मतलब कि 44835 पे हुआ है, और जो रिजल्ट आया है वो भी हमारे 44865 पे आएगा। लेकिन जब इस पे हम डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो अपने हिसाब से डेट फॉर्मेट हो जाता है। और जब हम पे से जो वैल्यू करते हैं तो पे से जो वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, तो इसने अपनी पूरी की पूरी फॉर्मेट को रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने किया रिमूव फॉर्मेट में, तो इसने जब पे से वैल्यू करते हैं तो रिमूव ऑल जितनी फॉर्मेटिंग वो रिमूव कर देता है। तो उस केस में आप इसका यूज ना करें, आप इसका यूज करें वैल्यू एज नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या होगा कि आपकी जो बाकी फॉर्मेटिंग है जैसे कि कलर हो गया, बॉर्डर्स हो गए, ये चीजें नहीं आएंगी। लेकिन क्या आएगी? आएगी आपकी जो नंबर की फॉर्मेटिंग जैसे डेट, टाइम, करेंसी, सब जो है वो आएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अब चलिए हम बात करते हैं पेस्ट एज ए कैलकुलेशन की। जैसे यहाँ पे 30 है, 20 यहाँ पे 30 है, अगर मैं 20 को 30 के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ तो रिप्लेस हो जाता है। यहीं पे पेस्ट स्पेशल के अंदर में हमारे पास आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट करता हूँ ऐड, इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे आप देखिए मेरे पास डे वाइज मेरे पास क्या है, सेल्स है, और इन सबों का टारगेट्स बनती है, और मुझे रिपोर्ट भेजना है किसी को। तो इनको जो रिपोर्ट भेजना हो, उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर पूजा ने कितने क्वांटिटी सेल की है, इसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपको ये बताइए कि पूजा ने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। तो हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है, तो 70 को कॉपी करेंगे, पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां कर देंगे डिवाइड, और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। फिर आता है कि अगर मेरे पास हर किसी का कैलकुलेशन अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, अब पूरा का सीक्वेंस देख लीजिए कि इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस दोनों अलग अलग है। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइड, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्किप ब्लैंक की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर मान लीजिए कि ए मेरे पास सेल्स आया, मैंने अपने टीम को बोला, क्यूसी टीम को, कि एक बार चेक कर लीजिए। तो क्यूसी टीम ने चेक किया, चेक करके कुछ गलती पाया, उन्होंने गलती बगल में लिख दिया। अब ये गलती को मुझे अपडेट करना है, तो मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा कि ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि जिसके सामने वैल्यू ना लिखा है वो जैसा है ठीक है, उसी जैसा है उसी तरह छोड़ देना है। तो फिर मैं पूरे के पूरे कॉलम को कॉपी करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे दूंगा मैं स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, तो आप देखेंगे कि ब्लैंक आपका पेस्ट नहीं हुआ, वही पेस्ट हुआ जिसके सामने डेटा है। कुछ नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करते समय जस्ट स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है ट्रांसपोज। डेटा अगर आपका वर्टिकल है तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, इसको कर दीजिए ट्रांसपोज। फिर इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, इसको कर दीजिए वापस ट्रांसपोज। तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक।
देखिए एक सेल को दूसरे सेल से लिंक कैसे करते हैं, तो बेसिकली इक्वल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर दीजिए तो लिंक हो जाता है। कल के डेट में अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा एंटर मारते पे चेंज, लेकिन हर एक सेल को करना है, कस्टमाइज सेल को करना है तो प्रॉब्लम होती है। तो जिस जिस एरिया को आपको कॉपी करके कहीं और लिंक करना है उस एरिया को सिलेक्ट करो। जैसे मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने डे 3 को सिलेक्ट कर लिया और डे 5 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको किया कॉपी और दूसरे सीट दूसरे फाइल जहां भी लिंक करना वहां पे गया, पेस्ट स्पेशल, ये था हमारा पेस्ट एज ए लिंक, इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि लिंक हो गया। कल के डेट में यहाँ किसी तरह का चेंज हो जाए, 62 की जगह पे 26 करके एंटर मारा तो देखिए यहाँ पे 26 हो गया। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर्स के बारे में और पिक्चर्स लिंक के बारे में। कभी कभी डेटा को जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको पिक्चर्स बनाने होते हैं, तो पेस्ट एज ए पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसका पिक्चर्स में आ जाएगा। पिक्चर आने के बाद मैं इसको आसानी से छोटा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, जैसा मर्जी वैसा कर सकता हूँ डेटा। लेकिन मेरा डेटा इससे लिंक नहीं है, कल के डेट में इस तरह की कोई चेंजिंग होता है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो, मैं चाहता हूँ चेंजिंग भी हो, तो पेस्ट एज ए पिक्चर के जगह पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक को क्लिक करें। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक क्या करता है कि लिंक पिक्चर भी होता है और लिंक भी होता है। कल के डेट में अगर कोई फॉर्मेटिंग भी चेंज हो रही है आपकी, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। नंबर चेंज हुआ, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 51 है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, और ये फॉर्मूले के साथ जुड़ा है। कल के डेट पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नया नेम आ गया, तो आप यहाँ इस 10 को 11 से रिप्लेस करके एंटर प्रेस करें, ये आपके सामने आ जाए। ठीक है सर, तो आज हमने पेस्ट स्पेशल की सारे चीजों के बारे में जान गए। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। हेलो, सर एक बार वो पेस्ट कैलकुलेशन सेकंड वाला बताना एक बार एक फिर से। मिनट, पेस्ट कैलकुलेशन सेकंड सेकंड वाला वाला, हाँ जी ये वाली ना, यही इसका यूज बताना एक बार क्या है। बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास कई तरह के डेटा आते हैं, जैसे मान लीजिए डेटा है, नया डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, मान लीजिए डेटा है और ये जो है मेरा सेल्स है, ये हमारा टारगेट है। तो अब हर यहाँ पे इससे पहले वाले पार्ट में क्या था कि ये हमारा टारगेट था और ये हम इसको हमने कर दिया, क्योंकि सबका टारगेट सेम था तो हमने इजिली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया। बट इसमें क्या है कि हर किसी का टारगेट हर दिन अलग अलग है, तो मैं मैनुअली एक एक का मुझे ये करना पड़ेगा, एक एक का मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं 74 जो है, 74 डिवाइड बाई 56, फिर यहाँ पे आपका आएगा 40 डिवाइड बाई 46, तो काफी टाइम लगेगा ना सर। तो मैंने देखा कि नेम और डेटा सीक्वेंस में, तो हमने पूरी की पूरी एरिया कॉपी किया और इस एरिया के ऊपर राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल, इसमें हमने कर दिया डिवाइड। अब क्या होगा कि यहां से इस पे होगा डिवाइड होगा और इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा, समझे? ठीक 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 और कोई डाउट? तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम इससे आगे के चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर? ठीक है कल हम बात करेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल के बारे में, और हाँ एक एडवांस में ये पिक्चर लुकअप के बारे में बात करें। एडवांस पेस्ट नहीं, पिक्चर लुकअप, एडवांस पेस्ट स्पेशल नहीं है, पिक्चर लुकअप है, तो हम पिक्चर लुकअप के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर?